नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं हार्टवाइज और आज करूंगा मैं दिल की बात दिल से बात। आज कुछ कड़वी बातें मैं बोलने वाला हूं इस वीडियो में, शायद ही आपको अच्छा ना लगे और जो भी मेरे 60-65 सब्सक्राइबर हैं ये वीडियो देखने के बाद शायद वो आधे हो जाए। दोस्तों मैं इस चैनल पर रिलेशनशिप एडवाइजर्स देता हूं, क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों में रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मुझे लगता है कि मेरे पास इतनी नॉलेज आ चुकी है जो मैं दुनिया के साथ शेयर कर सकूं और उनके कुछ काम आ सके। और पता है सबसे बड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है रिलेशनशिप्स के मामले में? सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस मेरे हिसाब से है, वो ये है कि जितने भी रिश्ते हैं, आपके माँ और बाप को छोड़ के जितने भी रिश्ते हैं इस दुनिया में, सारे के सारे ज़रूरत के ऊपर बेस्ड हैं। चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या मटीरियल हो, कोई ना कोई नीड को पूरा करने के लिए लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो अगर रिलेशनशिप को बना के रखना है तो ज़रूरतों को मिटाने की ताकत और पावर आप में होनी चाहिए, तब जाके रिलेशनशिप टिके रहेंगे। और मैं क्या देखता हूँ कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आजकल के लड़के और लड़कियाँ क्या सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल, हाउ टू नो कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे अभी भी मिस करता है या नहीं, ऐसे वीडियो सर्च करते हैं। क्यों क्यों भैया? आपको एक लड़की को पटा लोगे तो क्या आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी वो? ज़िंदगी भर आपके साथ कोई नहीं रहेगा, कोई रिलेशनशिप आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। आपके आखिरी सांस तक अगर कोई रहेगा आपके साथ तो वो आपका बॉडी है, आपका फिजिक है, वो आपके साथ रहेगा। तो हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल को छोड़ के क्या आप ये नहीं रह सकते हैं कि हाउ टू गेट अ हेल्दी एंड फिट बॉडी? क्या आपको अपने फिजिक के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? जो आपके साथ आपके आखिरी सांस तक रहेगा, एकदम लास्ट तक रहेगा, ऊपर जाने से पहले तक रहेगा, क्या आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? और मैडम जी, आप जो देख रहे हैं कि आपका बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी आपको मिस करता है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है उससे भाड़ में जाए वो ऊपर जाने के बाद? क्या आपका बॉयफ्रेंड भी आपके साथ ऊपर जाने वाला है? नहीं जाएगा कोई आपके साथ। जो आपके जाने के बाद इस धरती पे रह जाएगा वो है आपका काम। आपके काम की वजह से लोग आपको याद करेंगे, आपके काम से आपकी पहचान बनती है। इस दुनिया को जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप 100 लोगों को वैल्यू दीजिए तो वो एक जिसको आप सामने से रोकना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक खुद आपके पास चल के आएगा। आप 100 लोगों को वैल्यू दीजिए, इस दुनिया को कुछ वैल्यू दीजिए, तब जाके आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और पता है लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? बुरा ना मानना दोस्त, दिल पे हाथ रख के कहना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, बुरा ना मानना, लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा, मनी। ये ज़रूरत आप लोगों की पूरा कर दो तो सारे रिश्ते, 90% आपके रिश्ते बने हुए रहेंगे। लोग आपसे गुस्सा नहीं होंगे, लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपका मोटो, आपका एम, आपका जो ज़िंदगी का लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए कि मोर एंड मोर अपने ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश और साथ ही साथ फिजिकली और मेंटली और मटीरियली रिच बनने का सपना होना चाहिए आपका। रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना उतना आपसे दूर भागते रहेंगे। कोई रिलेशन आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला। अरे जिस रिश्तों के लिए आप मरते हैं ना, वही आपके डेड बॉडी को जाके शमशान तक ले जाएंगे। और आपने कोरोना के टाइम पे देखा है कि अपने खुद के रिलेटिव्स भी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो क्या रिलेशनशिप का फ़ायदा है यार? क्या वैल्यू है फालतू के रिलेशनशिप को रोक के रखने की कोशिश, बचाने की कोशिश, बनाने की कोशिश? याद रखिए, जिस रिलेशनशिप को बचाने में एफर्ट देना पड़ता है वो रिलेशनशिप ना होना बेटर है। वो रिश्ता टूट जाना अच्छा है जिसको बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। जिस लड़की को आप पटाना चाहते हैं वो पट गई आपसे, उसके बाद क्या आप उसको ज़िंदगी भर खुश रख पाएंगे? उसके लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए। कोरोना के टाइम पे आपने देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोग रास्ते पे बैठे हुए हैं? किसी सेलिब्रिटी को आपने ऐसा देखा है? जब सेलिब्रिटी लोग कोरोना के टेस्ट करवाने जाते हैं, कटरीना कैफ और अंकिता लोखंडे, ये लोग जब जाते हैं तो लोग उनसे कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। और बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये सच्चाई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके एक बूढ़ी औरत रोड पे बैठी हुई थी। ये पिक्चर कितनी वायरल हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खिला के बेड अफोर्ड कर पाए। तो आपका मोटो जिंदगी में क्या होना चाहिए यार? क्यों नहीं समझ रहे हो? किस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए? मेरे हिसाब से दो ही चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए। एक है आपका बॉडी, दूसरा है आपका पैसा। और पैसा चोरी या डकैती करने की नहीं बोल रहा हूं मैं। दूसरों को वैल्यू दीजिए, 100 लोगों को, 1000 लोगों को वैल्यू दीजिए
वो लोग आपसे आपकी वैल्यू खरीदेंगे, आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो आप बोलेंगे क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्या दूसरों का भला नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अच्छाई का काम हमेशा करना चाहिए। और आप एक आदमी को दिखा दीजिए जिसको जाके आप पूछते हैं कि भैया आपको अच्छे काम करने का मन नहीं करता, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बोलेगा कि नहीं मुझे अच्छे काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अच्छे काम करे भी तो कैसे करे, दो चीज़ चाहिए, या तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए या फिर आपको सैक्रिफाइस करने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपने सैक्रिफाइस करने की ताकत है तो जाइए बन जाइए मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। आपको सब कुछ फैमिली परिवार सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की भलाई कर पाएंगे। और नहीं तो पैसा कमाइए, बिकम अ फिलैंथ्रोपर ओनली आफ्टर यू बिकम रिच, ये शाहरुख खान ने कहा है। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान इतनी चैरिटी करते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग इतना ही पैसा देते हैं जिन जो देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.5 करोड़ रुपए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने डोनेट किए हैं कोरोना की जंग में। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी रकम है? 15 दिन की कमाई है ये उनके लिए। तो पहले पैसा कमाने की सोचिए, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ टू टॉक टू गर्ल, हाउ टू चैट विद अ गर्ल, हाउ टू मेक माई एक्स बॉयफ्रेंड मिस मी, हाउ टू नो कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं, ये करता है या नहीं, वो करता है नहीं, ये सब वीडियो छोड़ के देखिए हाउ टू ग्रो रिच, हाउ टू थिंक रिच, हाउ टू बिकम फिजिकली एक्टिव, हाउ टू बिकम मेंटली एक्टिव, हाउ टू बिकम इंटरनली स्ट्रांग, हाउ टू बिकम एक्सटर्नली स्ट्रांग, हाउ टू गेट अ हेल्दी एंड फिट बॉडी, ऐसे वीडियोज आपको देखनी चाहिए। बहुत ही दुख होता है मुझे जब मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे वीडियोज को सर्च कर रहे हैं, जबकि मैं भी वैसे वीडियोज बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे ग्रो करना है, मुझे भी लोगों को वही देना है जिसकी डिमांड है। लेकिन मुझे बहुत अंदर से अच्छा नहीं लगता ऐसी वीडियोस बनाने में। मुझे लगता है कि मैं लोगों को एम्पावर करूँ ताकि लोग कुछ अच्छा बन पाए, अट्रैक्ट करे, पुश ना हो, यहाँ पे पुल हो, लोग खींचे चले आए आपकी तरफ, कुछ ऐसे वीडियोस मैं बनाऊँ। और ये जो मैं यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगता रहता हूँ किस लिए करता हूँ? क्योंकि मुझे भी अच्छे काम करने हैं, उसके लिए मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं। और मुझे भी पता है कि ये वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में कुछ मसाला नहीं है, इस वीडियो में मैंने बहुत कड़वी बातें कही है, इसलिए ये वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा। ठीक है भैया, नहीं करना है मत करो, जो मन करे आपका करो, वीडियो को डिलीट कर दो, चैनल को अनसब्सक्राइब, जो मर्जी करना है करो, लेकिन ये जो सच है ये सच रहेगी, आपको अच्छा लगे या बुरा। धन्यवाद।